हाल ही में मेरी हार्ड डिस्क फूक गई और इसमें मेरी अच्छी अच्छी फोटो थी वो चली गई। तो मैंने सोचा कि मेरी इंस्टाग्राम पे कई फोटोज पड़ी हैं वो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। फिर मैं गया इंस्टाग्राम पे डाउनलोड करने में, तो एक समझदार व्यक्ति के जैसे मैंने स्क्रीनशॉट लेने शुरू कर दिए। फिर मुझे पता चला स्क्रीनशॉट से क्वालिटी बर्बाद हो जाती है, तो मैंने सोचा अगर अच्छी क्वालिटी में चाहिए तो क्या करें। फिर मैं गया और पढ़ने लगा और फिर हमें पता चला कि ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे हम सारी फोटोज एक बार में डाउनलोड कर सकें इंस्टाग्राम के पास। फिर मुझे लगा कि अगर मुझे डिफिकल्टी हो रही है तो आप लोगों को भी हो ही रही होगी, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इंस्टाग्राम से जितनी भी फोटोज वीडियोज हैं ये एक बार में सारी की सारी कैसे डाउनलोड की जा सकती है। तो खेल शुरू करें, तो शुरू करते हैं। स्टेज नंबर वन, सबसे पहले क्या करना है, आपको दो चीज चाहिए, एक आपका कंप्यूटर और आपका क्रोम। मोजिला वालों माफी। फिर आप जैसे क्रोम खोल लेंगे अपना, आपको सर्च करना है क्रोम वेब स्टोर। जी हाँ, क्रोम वेब स्टोर को जैसे आप सर्च करेंगे पहले कॉलम पे ही दिखाएगा गूगल पे क्रोम वेब स्टोर, उसको खोलना है। ठीक है, ये थी स्टेज नंबर टू। स्टेज नंबर थ्री, आपको उसके अंदर खोल के टाइप करना है डाउनलोडर फॉर इंस्टाग्राम। और हाँ, ये नाम पक्का उसी व्यक्ति ने रखा है जो बन को आज तक डबल रोटी बुला रहा है, पर अच्छा नाम है ना डबल रोटी। स्टेज नंबर फोर, अब आपको इस एक्सटेंशन को ऐड करना है अपने क्रोम पे। अब आते हैं फाइनल स्टेज पे, स्टेज नंबर फाइव। स्टेज नंबर फाइव क्या है, आपको अपने कंप्यूटर पे खोलना है इंस्टाग्राम। जैसे आपने इंस्टाग्राम खोल दिया, दाहिने हाथ पे आपको एक डाउनलोड का बटन मिलेगा, आपको उसको दबाना है और डेटा प्रोसेस होने लगेगा। अब मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि अपने बचपन के अनाकर्षक छवियों को ना डाउनलोड करें तो उसका एक तरीका है, जैसे ही प्रोसेस चल रहा हो बीच में ही रोक दीजिएगा और जितनी प्रोसेस हो गई होंगी पहले उतनी ही डाउनलोड हो जाएंगी। ये कहते हुए वीडियो ऑन करते हैं। हमारा नाम है अभिषेक राज मिश्रा, आप देख रहे हैं aajtak.in के हिंदी वीडियो। और अब aajtak पूछो.aajtak.in के नाम से नया वेबसाइट बना रही है पूरी हिंदी में, तो देखिएगा जरूर।